गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। सबसे पहले आज जो है ना, आवाज आ रही है ना मेरी, और स्क्रीन भी क्लियर है बेटा? यस सर। तो पहले वो मैंने आपको बोला था कि कल टेस्ट डिस्कस करेंगे, पहले टेस्ट निकाल लो। सर कौन सा टेस्ट? आपका अभी वीकली टेस्ट हुआ होगा ना, जो उसका थर्मोडायनेमिक्स का हुआ था? नहीं हुआ था आप लोगों का? मंडे को आप लोगों का वीकली जो फोर्टनाइटली टेस्ट है वो हुआ था? नहीं हुआ था आपका थर्मोडायनेमिक्स का? क्या बात हुई, कोई बोल नहीं रहा? कल तो मैंने बोला था सब यस कर रहे थे, तो मैंने कहा था डिस्कस करूंगा मैं कल की क्लास में। आपका नहीं हुआ क्या आप लोगों को? सर कल क्लास नहीं थी केमिस्ट्री की। कौन सी क्लास है बेटा आप लोगों की? सर इंजीनियरिंग 12th। इंजीनियरिंग 12th? इंजीनियरिंग 12th में कहाँ क्लास हो रही है? एक मिनट बेटा, मैं देखता हूँ। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट नहीं होता? आप लोगों का 12th वालों का टेस्ट नहीं होता? उनका टेस्ट इंजीनियरिंग 11th वालों का टेस्ट। आप लोगों ने तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री किया था ना बेटा यस सर। लास्ट क्लास में? इंजीनियरिंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री किया था? न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मैंने एक डीपीपी आपके साथ शेयर किया था, वो कर लिया था आप लोगों ने? वो तो नहीं किया होगा आप लोगों ने? ट्वेल्थ इंजीनियरिंग वाले बच्चे हो बेटा आप। आपने पिछली बार न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा था, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मैंने एक आपसे डीपीपी भी शेयर की थी। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा या किया नहीं होगा, मुझे लगता है किया था, नहीं किया था? अगर किया होगा तो आपका अब तक आंसर आ जाता। मैं आपकी चुप्पी से मुझे एग्री हो गया कि आप लोगों ने वो देखा ही नहीं होगा, जो डीपीपी भी आया है वो किया है हमने। तो बेटा बताओ फिर क्या करना है 12th इंजीनियरिंग में तुम्हें? फिर आपकी सहमति से बता सकता हूँ क्या करना है। पिछली बार सर आपने बोला सर न्यूक्लियर आधुनिक करना है, लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं करोगे, मैंने थ्योरी तो दिया था वो नहीं किया है, तो फिर पढ़ते जाओ, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, मैं क्या करूँ? कोई भी स्टूडेंट है बेटा जिसने नहीं किया वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मैंने जो डीपीपी डिस्कस की थी, या मिली नहीं आप लोगों को? या बेटा आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री का डीपीपी मिला नहीं था, या आप लोगों ने देखा नहीं क्या? मुझे वो बताओ ना। आजकल ऑनलाइन चल रहा है सारा, कोई किसी को कुछ पता नहीं है। आप अपने घर बैठे हो, मैं अपने घर बैठा हूँ, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो आपका ईडीपी वाला अपने घर बैठा है, आपको दिया नहीं डीपीपी? आप लोगों ने देखा नहीं, आप लोगों ने किया नहीं, क्या हुआ? सर देखा नहीं था। अच्छा, बाकी स्टूडेंट बेटा, एक ही स्टूडेंट बोल रहा है, बाकी भी रिप्लाई करो। सब चुप, सन्नाटा है भाई, सन्नाटा।
कौन करता है टीचर के साथ। तो आपका ऐसा वो होना चाहिए कि सर ये करना है, ये किया है, ये अब बताओ आप मुझे, पूरा होल्ड के साथ आप लोगों को बोलना चाहिए। और कोई बच्चा बोलता ही नहीं, मजा ही नहीं आता। बाकी बाकी क्लासेस आप लोग में ना हैबिट नहीं है। आप लोग एक लोग ना इंजीनियर हो लेकिन भूल रहे हो आप कि टेक्नोलॉजी इज द आपका फ्यूचर, टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर ऑफ यू। बाकी नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी में मतलब इस ऑनलाइन में इतना इंट्रैक्शन करते हैं, इतने इंट्रैक्शन करते हैं कि सर ये क्वेश्चन बताओ वो क्वेश्चन बताओ। और आप लोगों में एक तो बच्चा बोलता है, बाकी सब लोग ऑनलाइन करके पता नहीं सो जाते हो, बाद में घर चले जाते हो, कहीं और चले जाते हो, कुछ आइडिया नहीं। क्योंकि यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की नहीं है ना, यहाँ आपकी है ना। आप में कितना दम है, आप में कितनी पावर है, आप कितना कर पाते हो, आप कितना बैठ पाते हो, आप कितने क्वेश्चन पूछ पाते हो, उस पर डिपेंड करेगा। और उसमें आप लोग फेल हो रहे हो बेटा, और दैट इज नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कैरियर। बुरा लग रहा होगा लेकिन ये बात में याद रखना कि आपका इंट्रैक्शन आगे आने वाली जिंदगी में ऑनलाइन ही होने वाला है। जिसके साथ भी आप बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे, आपको डायरेक्ट मीटिंग नहीं होगी। आप अमेरिका मीटिंग कर रहे हो, इंडिया से कर रहे हो, आपको ऑनलाइन बैठना पड़ेगा, लेकिन बोलना नहीं आता तो कुछ भी नहीं होगा बेटा। दैट इज द ट्रू। आर यू एग्री विद मी? मैंने पॉइंट बोला है, एग्री हो नहीं हो? अभी यस सर, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होने वाला बेटा। कोरोना ने इंडिया को जल्दी से आगे बढ़ा दिया है। आने वाले टाइम में बेस्ट इंजीनियर बनना है ना, तो आप जाके मीटिंग नहीं करोगे। वो पुराना जमाना गया, टाई बेल्ट पहन के पहुंचेंगे और बढ़िया पर्सनैलिटी दिखाएंगे और तब तो हम प्रोजेक्ट लेके आएंगे। यहाँ तो ऑनलाइन चलेंगे बेटा। अगर ऑनलाइन आपको बातचीत करना ही नहीं आया तो इट मीन्स आप नहीं कर पाओगे बेटा, बढ़िया इंजीनियर नहीं बन पाओगे। और इसमें सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको ये टीचर देता है बेटा। टीचर आपकी हर बात सुनता है, टीचर आपके हर क्वेश्चन का, चाहे सिल्ली हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, हर क्वेश्चन का। हाँ थोड़ा डांट देता होगा, दैट इज द डिफरेंट मैटर, लेकिन बताएगा जरूर आपको, बोलेगा बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर। तो इसमें इंट्रेक्शन बढ़ाओ बेटा, वेट मत करो। क्या आप अब वो जमाना गया कि आप वेट कर रहे हो कि ऑफलाइन सारी चीजें होंगी? आपके आने वाले कॉलेजेस की क्लासेस भी मे भी सारी ऑनलाइन होने वाली है, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, सब कुछ बेटा। टेस्ट आपका ऑनलाइन, आपको इंजीनियरिंग का टेस्ट आपको पता ही है ऑनलाइन होना है। तो ऐसा ही सब कुछ बदलने वाला है, तो आप इसमें बोलना क्यों नहीं सीख पाते हो? किस रिवेरी में हो बेटा, किस देश स्वप्न में हो आप, है ना? तो करना है आपको। अब बताओ, जैसे मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने नहीं हूँ लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो टीचर को अपने, तो कैसे होगा बताओ? मतलब मुझे पता ही नहीं है कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। जब बातचीत करोगे तब पता लगेगा प्रॉब्लम क्या है। आज आपका कोर्स खत्म हो चुका है, अब मुझे आपसे बात करनी है। पिछली बार आपने बोला सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा दो, मैंने स्टीरियो की तरह एक आपने फोन ऑन किया, नंबर ऑन किया, आपने बोला, एक लड़की ने बोला, एक लड़के ने बोला, दो लड़कों ने बोला कि सर ऐसा कर दो हमें न्यूक्लियर पढ़ा दो। मैं न्यूक्लियर पढ़ा दी, न्यूक्लियर की मैंने डीपीपी भी डलवा दी, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, उसका बेनिफिट किया। ऐसे ही आज मुझे बोल दोगे? मेरी तो नौकरी है, चल रही है बेटा, मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता है कि उसका बेनिफिट बच्चों ने कितना उठाया। मैं फिर बोल दूंगा बेटा बोलो तुम सब लोग क्या है, जो दो या तीन बच्चे कुछ बोल देंगे वो टॉपिक पढ़ा दूंगा मैं, तो उसमें बेनिफिट क्या है बताओ बेटा? करना चाहिए था ना आप लोगों को, करना चाहिए, नहीं किया, गलत बात है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपने बोली, न्यूक्लियर केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई, इवन आपने मुझे पता है क्यों बोली होगी, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, आपको समझ नहीं आई होगी, आपने बोला होगा या न्यूक्लियर केमिस्ट्री सर, मैंने फिर भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा दी आपको इमिडिएट। आपने बोला सर ये पढ़ा दो, मैंने कहा ठीक है ओके मैं पढ़ा देता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेटा आपकी भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मुझसे कुछ चाहते हैं तो मैं भी तो आपसे कुछ चाहता हूँ, नहीं? तो यस सर, ऐसा नहीं होता क्या बेटा? पेरेंट्स आपके पैसा खर्च करते हैं आपके ऊपर, आपसे भी तो वो कुछ चाहते हैं, आपसे भी तो कुछ चाहते हैं ना वो कुछ। फिर जी सर, बेटा एनीवे अब उसमें क्या कर सकते हैं बेटा। चलो अब क्या है कि अब आप मुझे ये बताओ कि क्या पढ़ना है।
इसका रिवीजन करो बताओ। मैं अपने मन से कर दूं या आपका कोई टॉपिक है? चलो मैं देखता हूँ, कुछ ट्राई करता हूँ कि अगर अपने को अवेलेबल हो जाता है वो जो पिछला टॉपिक मैंने आपको दिया था। सर सर आयोनिक इक्विलिब्रियम करा दो सर। आयनिक इक्विलिब्रियम, बाकी भी बोल दो बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट हो, क्या करना चाहते हो? सर वही ये थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स। काइनेटिक्स इस साल था 12th में, तो वो अच्छे से हुआ था। 11th का वीक है थोड़ा। अच्छा, 11 थर्मो और ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। और स्टूडेंट बेटा और बोलो, इक्विलिब्रियम पे एग्री हो? मैं करवा दूं इक्विलिब्रियम। यस सर, बाकी ने भी यही कहा था पहले भी शायद। मैं वही एग्री लेना चाहता हूँ ना बेटा। बाकी बाकी स्टूडेंट बोल दो बेटा, बोलने में क्या जाता है, बोल दो तो मैं करवा दूंगा। क्या रिवीजन इक्विलिब्रियम का कर दें या आयनिक का? अच्छा, बेटा यस देयर सर, आर मेनी मोर स्टूडेंट, प्लीज प्लीज टॉक विद मी बेटा, आई कैन हेल्प यू, बट अगर टॉक नहीं करोगे तो मैं कैसे करूंगा बताओ। मेरे सामने अभी मुझे लिस्ट दिखाई दे रही है, उसमें सिर्फ चार स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद सयान, यस सर, मोहम्मद सयान, मुकुल शर्मा, मुकुल शर्मा, और देखो बताओ बताओ, मुकुल शर्मा है ही नहीं यहाँ पे, अपना ऑन करके निकल लिए भाई साहब साइड में कहीं शायद, लेकिन यहाँ नहीं है। तो राजेश कुमार आईडी से कौन है बेटा? सर प्रियांशु पटेल। प्रियंशु है, प्रियंशु अवेलेबल है। और तासु पनवर आईडी से? हाँ यस तासु सेन। और बताओ, चार स्टूडेंट बैठे, सर, हाँ चार स्टूडेंट बैठे हो, जिसमें से एक ऑन करके साइड में निकल लिए हैं, तीन हो रहे हैं। पेरेंट्स से देखो कितनी दगाबाजी चलती है। अब आप तीन बच्चे ये बताओ, क्या इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम करवा दूं मैं? सर, यस सर, यस सर, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, जब भी आपके सामने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर आए, आपको ये समझना है कि आपको कैलकुलेशन ऑफ पीएच करना होता है सॉल्यूशन का। कैलकुलेशन ऑफ पीएच जो भी दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है, आपके पास पहला पॉइंट ये आता है, पीएच ऑफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस और From, ऐसे केसेस में आपको पीएच निकालना बेटा, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस करना है। तो इस को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं बेटा, कौन से होते हैं बेटा, कैसा सोचते हो आप, कौन कौन से वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? सर जिन जो इजीली डिसोशिएट हो जाते हैं जो इजिली मतलब 100% सॉल्वेंट डिसोसिएट हो में। जाते हैं बेटा। ओके, आई एम एग्री विद यू, बट अब अगर हमें एग्जांपल याद करनी हो तो कैसे हो, कौन कौन से वाले होंगे जो 100% डिसोसिएट हो जाएंगे? सर H2SO4, HNO3। मैं आपको बताता हूं कि अगर या तो आपके पास कोई हेलोजन हो, HCl। हाँ जिसे हेलोजन हो, या आपके पास सल्फर या नाइट्रोजन हो बट विद ऑक्सीजन हो,
ये अगर आपके पास है तो ये आपके स्ट्रोंग एसिड है। जैसे देखो आप, जैसे एच सी एल कैसा एसिड है बेटा, स्ट्रोंग है ना। एच एन नॉट ओनली एन, साथ में ऑक्सीजन भी होना चाहिए, NO3, HNO3 ऑक्सीजन भी होना चाहिए, और H2SO4 ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रोंग एसिड है। तो वीक एसिड कौन से हुए बेटा, जो इस कैटेगरी में नहीं आता, H2. जैसे कार्बोनिक एसिड, एसिड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस टाइप का। अब आप सोच रहे होंगे सर सल्फर तो यहां आ गया, फिर क्यों? अगर सल्फर विदाउट ऑक्सीजन है, देखो मैंने क्या लिखा है बेटा यहां पर, विद ऑक्सीजन, अगर विदाउट ऑक्सीजन है तो फिर वीक एसिड कंसिडर करना है। जैसे देखो आप, एज एग्जाम्पल कार्बन वाला तो कोई भी आ जाए, जैसे ऑर्गेनिक एसिड कोई भी आ जाए, HCO तो वीक कंसिडर करना। H2CO3, कार्बन आ गया बेटा तो H2CO3 वीक एसिड कंसिडर करना है। HCN, इवन नाइट्रोजन प्रेजेंट है बेटा देखो, लेकिन नाइट्रोजन किसके साथ प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन किसके साथ नहीं है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इसलिए HCN को क्या कंसिडर करोगे आप, वीक एसिड। वीक एसिड, जैसे H2S सल्फर तो है, लेकिन सल्फर के साथ क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है बेटा। H2SO4 होता तो स्ट्रोंग होता, H2S होता तो H2S से तो वीक हो जाएगा। क्लियर? यस सर, चले आगे। यस सर। तो अगर जैसे ग्रुप 16 का जो लास्ट एलिमेंट है, हाँ जैसे उसके हाइड्राइड को कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक है वो बाकियों के कंपैरिजन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आयोनाइज है, मतलब इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, स्ट्रॉन्ग में नहीं रखेंगे बेटा। तो ऑक्सीजन का होना मेनली इसलिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या फिर हम ये कह सकते हैं नहीं, कि ऑक्सीजन ग्रुप के साथ वाले 16 जो का एच होते हैं ना, एलिमेंट। वो ऑक्सीजन के साथ वाले एच होते हैं ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन, वही निकलते हैं, इसलिए जरूरी है बेटा। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा। और सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी था कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते तो एसिडिटी घट जाती है। नहीं, ऑर्गेनिक वाले तो सारे वीक में ही डालना, उसमें स्ट्रॉन्ग में डालेंगे ही नहीं, ऑर्गेनिक वाले वीक आ जाएंगे सारे। कार्बोनिक एसिड का वीक होने का रीजन क्या है? मतलब उसका तो अगर कॉन्जुगेट बेस देखे तो वो भी स्टेबल है। नहीं, वो स्टेबल तो है, मतलब ये होता है कि 100% आयोनाइज कौन सा हो सकता है वाटर में। 100% आयोनाइज मतलब आयन एच पॉजिटिव देने के बाद स्टेबलाइज कौन हो सकता है, वो देखना है ना हमको। हमको उसकी स्टेबिलिटी नहीं देखनी, खुद की एच प्लस आयन देने के बाद की स्टेबिलिटी देखनी है बेटा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि एच प्लस आयन देने के बाद जो CO3 2- हो जाएगा वो तो वो रेजोनेंस स्टेबल है ना, स्टेबल हो सकता है। हाँ तो आयन देने के बाद स्टेबल हुआ ना, इसका मतलब पहले स्टेबल नहीं था ना, हाँ तो इसलिए इसमें एच प्लस अगर आयन दे दिया। उसका जब डिसोसिएशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो स्टेबल है, तो डिसोसिएशन तो फॉरवर्ड होना चाहिए, ज़्यादा होना लेकिन चाहिए। लेकिन ऐसा है कि वो अस्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि 100% वही बनेगा, उसका आपका जो रिएक्टेंट है वो भी मैटर करेगा और डिसोसिएशन वाला भी मैटर करेगा बेटा। मतलब भाई दो चीजें आपने एक साथ मेरे साथ पुट कर दिया आपने, आपने कह दिया कि सर ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना वो एच सी जैसे ओ एच है तो रेजोनेंस शो करते हैं, और एच सी ओ नेगेटिव बना के एच पॉजिटिव बनाते हैं तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, ये बोला ना आपने, मैंने हाँ यही कि ये बोला। कार्बोनिक एसिड में वो हाँ रेजोनेंस ये है कि रेडिएशन। एच पॉजिटिव देने के बाद भी जो स्पीसीज बनेगी ये दूसरों की कंपैरिजन में, अपने जैसों के कंपैरिजन में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन कभी भी नेगेटिव स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज से स्टेबल नहीं हो सकती बेटा। हमेशा हाँ नेगेटिव चार स्पीसीज अनस्टेबल होती है, स्टेबल तो यही है।
अब इसमें क्या है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो एच को छोड़ने की पावर कम है, इसलिए ये पूरी तरह से एच नहीं छोड़ेगा बेटा, जितना एच सी एल हाँ छोड़ दे, एच सी एल कंप्लीटली छोड़ देगा, एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव। तो आपको ज्यादा मतलब गहरे में नहीं जाने की जरूरत, आपको इतना सोचने की जरूरत है कि जैसे मैंने जो बताया कि आपके स्ट्रोंग एसिड मतलब 100% आयोनाइज एसिड कौन से होते हैं, जिनके पास हेलोजन हो, सिर्फ सल्फर और नाइट्रोजन हो तो विद ऑक्सीजन हो, तो उनको आप क्या बोलोगे, स्ट्रोंग एसिड बोलोगे, बाकियों को आप क्या बोलोगे, वीक एसिड बोलोगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ऊपर वाले 100% मतलब सारे एच छोड़ देते हैं अपने वाला, नीचे वाले एच कंप्लीटली नहीं छोड़ पाते, नंबर ऑफ आयंस कुछ छोड़ देते हैं कुछ नहीं छोड़ पाते। इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो ना आप, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिएक्टेंट भी होते हैं प्रोडक्ट भी होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसमें रहते हैं, जिसमें कोई ना कोई वीक हो, क्लियर? यस कंफ्यूजन इसलिए आ, हाँ सर, बोलो, अल्कोहल अल्कोहल जो है वो उतना एसिडिक नहीं होता जितना कार्बोनेट हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक वो का है, बीटीएस ऑर्गेनिक के आ कारण हाँ रेजोनेंस के कारण होता है। बिल्कुल, तो वही इसलिए मैं सोच रहा था कि रेजोनेंस वाला केस तो नहीं कार्बोनेट के साथ भी है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को कंपेयर नहीं कर सकते बेटा, HCl H2O3 H2O4 इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन वाले ऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक वाले हमेशा स्ट्रोंग होंगे एसिड एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कंपटीशन करना है तो ऑर्गेनिक में आप स्टेबिलिटी चेक करोगे बेटा आयन की, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मेनली तो कार्बन का ही डिफरेंस है। हाँ, नहीं कार्बन, नहीं कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन भी मस्ट है ना ऑर्गेनिक के लिए। तो कार्बोनिक एसिड इनऑर्गेनिक में हुआ। कार्बोनिक एसिड इनऑर्गेनिक हुआ बेटा बिल्कुल, H2CO3, लेकिन इसका मतलब है HCOH कि ऑर्गेनिक हुआ। पीएच बॉन्ड होना चाहिए कम से कम एक। बिल्कुल, अच्छा ठीक है सर। अब क्या है कि हमारे इस चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में चलता क्या है, सारी पीएच ही कैलकुलेशन तो है, जैसे आप सबसे पहले पीएच कैलकुलेशन ऑफ पहला पार्ट करते हो, पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस पता ही नहीं होगा तो आप पीएच कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे बेटा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और या स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है जैसे HCl है, तो हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए होती है, वहीं से पीएच निकालते हैं हम, पीएच का फार्मूला पता होगा बेटा आपको, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एच पॉजिटिव आयन का। पॉजिटिव। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से HCl, तो जितनी HCl की कंसंट्रेशन होगी जैसे 0.1 मोलर HCl, तो H प्लस आयन भी कितना होगा, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर HCl, तो HCl कितना होगा बेटा, 0.2 मोलर। अब अगर H2SO4 है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो हो गया 0.1 मोलर H2SO4, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा H प्लस आयन निकालने के लिए 0.1 को, तो H प्लस आयन कितना हो जाएगा, 0.1 × 2, 0.2 मोलर H प्लस आयन। मान लो मैं लिख दूंगा 0.2 मोलर H2SO4, तो एच प्लस आयन कितना होगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.4 मोलर, क्लियर? एच प्लस आयन निकालना है तो, क्योंकि एच प्लस आयन निकालोगे तो पहले केसेस में पीएच निकालोगे तो पीएच क्या आएगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 0.1 मोलर, दूसरे केस में पीएच निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, आपको तो H प्लस आयन लेना ना, तो कितना हो जाएगा 0.2, तीसरे केस में निकालो बेटा पीएच,
क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ क्या लिख लूं, पॉइंट पॉइंट टू टू। फोर्थ केस में पीएच निकालना है तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ पॉइंट फोर। ये कब यूज करना है, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो। तो स्ट्रॉन्ग ठीक एसिड हो तो जितनी एसिड की कंसंट्रेशन है, जितने एच प्लस आयन है उससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा। क्लियर? है, यस सर। कोई डाउट किसी को यहां पे? नो सर। अब सपोज मैं आपसे ये बोल दूं कि पीएच ऑफ 0.1 मोलर एचसीएल ये निकालनी है। तो बेटा एच वन है तो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.1 मोलर। 0.1 मोलर। पीएच का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट नेगेटिव लॉग ऑफ वन कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर हाँ, वन नेगेटिव लॉग 0.1 को 10^-1 लिख सकता हूं। वन हो जाएगा। माइनस वन और माइनस वन प्लस वन आगे आ जाएगा, लॉग जी सर। 10। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। और लॉग 10 की वैल्यू पता होगी आपको, वन। वन तो पीएच कितना आ जाएगा, वन। वन तो आपके हिंट के फॉर्म में मैं आप दे सकता हूं आपको कि कभी भी आपको लॉग 1 की वैल्यू करनी हो तो 0 यूज करना, लॉग 2 की वैल्यू करनी हो तो 0.3, अप्रोक्सीमेट लॉग 3 को तो 0.48, लॉग 5 की वैल्यू 0.7 और लॉग 10 की वैल्यू 8 1। इससे सारे आंसर निकल आएंगे। इतना मस्ट है, इतना मस्ट है, इससे सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाए। ओके सर। क्लियर बेटा, आगे चलें। यस सर, आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन ये दे दूं पीएच ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 ये निकालना है बेटा। तो इसका मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना हो गया बेटा, इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H को, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो 0.2 मोलर हो जाएगा एच पॉइंट प्लस टू का। मोलर हो जाएगा, 0.1 × 2। तो पीएच निकालने का फार्मूला भी आता होगा बेटा आपको, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन मतलब 0.2 मोलर, 2 × 10⁻¹। तो माइनस वन और वन ये हो गया आपका माइनस कॉमन, अंदर क्या हो गया लॉग 2 × 10⁻¹ माइनस वन लॉग 2 प्लस लॉग 10^-1। तो क्या हो गया बेटा, माइनस जीरो लॉग 2 माइनस वन लॉग 10। तो माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3, लॉग 10 की वैल्यू 1, माइनस 0.3 प्लस 1, तो कितना आंसर आ गया, 0.7 कोई डाउट किसी को? नो सर। हटा दूं बेटा इसको, क्लियर हटा दीजिए। अब सपोज मान लो मैं कह देता हूं कि पीएच निकालना है बेटा आपको, पीएच निकालना है पीएच ऑफ
10^-8 मोलर HCl का। यहां क्या है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में कंट्राडिक्शन है बेटा। HCl होगा क्या हमेशा? HCl क्या होगा बेटा, एसिड। यस सर, तो अगर फार्मूले के हिसाब से सोचें कि HCl है 10^-8 सेवन मोलर से ज्यादा होगा HCl है, सर, तो H+ आयन कितना आ रहा है बेटा? 10^-8 तो pH कितना आ रहा है? एट एट तो पॉसिबल नहीं है ना ये वाली बात, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कोई एसिड का 8 कैसे हो सकता है? इसलिए आंसर ये कभी मत लगाना बेटा, एसिड है तो 8 नहीं हो सकता। इसलिए आंसर क्या रिपोर्ट करना है आपने, आंसर रिपोर्ट करना है इसका पीएच 7 से थोड़ा सा कम, 0.1 कम कर दो। मतलब आंसर क्या रिपोर्ट करना है? रिपोर्टेड आंसर 6.9, क्योंकि कभी भी ये बेसिक रीजन में नहीं जा सकता, बेस में नहीं जा सकता। इसलिए रहेगा एसिड है तो एसिड ही रहेगा बेटा, पीएच 0.1 कम कर देना। मतलब आंसर कौन सा टिक कर देना, 8 मत करना। कौन से वाला टिक करोगे? 6.9 6.9। क्लियर? यस सर। अब क्यों करेंगे इसका रीजन अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में पहले बताओ। आपको 11th में किस केमिस्ट्री वाले फैकल्टी ने पढ़ाया था? जलज सर, हैं? जलज सर, जलद सर। तो ये वाले केस वगैरह किए होंगे आपने बेटा? हाँ ये किए होंगे। हाँ ये वाला किया होगा। तो पीएच अगर 10^-8 मोलर एचसीएल एसिड है तो इसका मतलब पीएच 8 में तो नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तो 6.9 है। अब ये करना क्यों है 6.9, अभी बताता हूँ, थोड़ी देर रुको आप, प्लीज वेट जस्ट ए मिनट, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाए। ऐसे ही अगर आपने, आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, तो इसमें आप क्या OH निकाल के POH निकाल लेना पहले। POH हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम वो 10^2 या OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, और POH निकाल के फिर pH निकालना, 14 में से POH माइनस कर दो, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस में। जैसे मैं बोल दूं 0.1 मोलर NaOH, तो बेटा OH आयन कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम OH आयन कितना हो जाएगा, 10^-1, 1 माइनस माइनस प्लस होके आगे आ जाएगा, लेग 10 की वैल्यू 1, तो pH कितना आ जाएगा, POH कितना आ गया 1, तो pH कितना आएगा 13। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक? तो बेटा मैं तेज चल रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्योंकि पॉइंट पे चलना है, आगे पॉइंट पे बढ़ना है, जहां आपकी दिक्कतें आती है वहां पहुंचना है मुझे, रिवाइज हो रहा है। रिवाइज हो रहा है। क्लियर है बेटा? हाँ लेकिन अगर मैं आपको यही कह देता, दूसरा एग्जांपल दे देता कि 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब POH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH आयन कंसेंट्रेशन कितनी यूज करते बेटा, 0.2 0.1 × 2, 0.2। तो ये हो जाता आपका POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2 × 10^-1, तो 1 आगे आ जाता बेटा और log 2 इधर आ जाता, तो POH 1 माइनस 0.3, 0.7, तो pH कितना हो जाता, निकाल सकते थे ना 13.3। 1.3, कोई इश्यू नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती जाए तो बेटा बोलते जाना, 14 में से माइनस कर दिया। अगर स्ट्रॉन्ग बेस के केस में मैंने यही कर दिया 10^8 मोलर NaOH, तो बेटा POH कितना आ जाएगा, 8 8 आ गया, POH 8 आ गया, तो pH कितना आ गया, 6। 6, नॉट पॉसिबल फॉर बेस। या तो फिर 7.1 ले लेंगे। हाँ 0.1 आगे बढ़ा दो बेटा, नॉट पॉसिबल फॉर बेस।
तो हम क्या आंसर रिपोर्ट करेंगे आप? रिपोर्टिंग आंसर क्यों 7.1। होगा अभी बताता हूँ। रिपोर्टिंग आंसर तो आप 7 से थोड़ा सा ऊपर कर देना, 7.1 कर देना। क्लियर बेटा? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? नो सर, कोई डाउट नहीं है चलो आगे। जी सर। आप देखो एक्चुअली आपके कुछ केसेस में जितना मैथमेटिकली आप सोल्व कर रहे हो उतना आंसर क्यों नहीं आ पा रहा? इसका क्या रीजन? इसका रीजन है किसी भी एसिड या बेस को हम वाटर में डाल के चेक करते हैं कि कितने एच प्लस आयन या कितने ओ एच आयन होते हैं। वाटर एक सॉल्वेंट है और वाटर में डिजोल्व करते हैं, मतलब इसके लिए हमें नॉलेज लेना वाटर का बहुत जरूरी है। तो वाटर जो है H2O, वाटर जो एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट, एसिड बेस को डिजोल्व होने का काम करता है बेटा एज सॉल्वेंट वाटर। लेकिन जो H2O होता है वाटर, लेकिन खुद वाटर भी जो है ये पार्शियली, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आपने पढ़ा होगा बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। पार्शियली हाँ, पार्शियली आयनाइज। डिसोसिएट तो वाटर खुद भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वाटर का पार्टिकल लेते हैं तो वाटर का पार्टिकल एच पॉजिटिव आयन और ओ एच आयन बनाता है, लेकिन ये बहुत कम बनाता है, ज्यादातर इसी फॉर्म में रहता है, एनआयनाइज फॉर्म में रहता है। और बनाता भी जो है उसकी कंसेंट्रेशन, इसका 1 मोलर ले ली, 1 मोल ले लें इसका, तो इसका 10^-7 मोलर होता है, इतना ही बन पाता है। और अगर 10^-7 मोलर एच पॉजिटिव आयन, 10^-7 मोलर ओ एच नेगेटिव आयन बन पाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि एच प्लस आयन कितना होता है वाटर पे 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये बनता है 25 पर। तो वी कैन से दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस बेटा, एट 25 डिग्री सेल्सियस एच पॉजिटिव आयन कितना होगा? एच प्लस आयन कितना हुआ बेटा? 10^-7। 10^-7। तो इसका पीएच निकालेंगे तो न्यूट्रल पीएच कितना आएगा बेटा? 7। सेवन ऐसे ही यहां पर ओ एच नेगेटिव आयन, यू कैन चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन, दैट इज ऑल्सो 10^-7 मोलर। सो यू कैन से दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच? 7। 7। दैट प्लेस या दैट पॉइंट एट 25 डिग्री सेल्सियस यू कैन सी pH 7, pUH 7, तो दोनों इक्वल हो रहे हैं बेटा बिल्कुल। दैट यस इज द सर। न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट इज 7। सेवन दैट्स वाई वी कैन से दैट वाटर के अंदर अगर एच पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन 10^-7 आ रहा है तो न्यूट्रल पीएच, चाहे न्यूट्रल पीएच बोल दो चाहे न्यूट्रल पीएच बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 7 आ रहा है। ये pH 7 जो आ रहा है दैट इज द न्यूट्रल पॉइंट। अब अगर न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा हो गया, अब मान लो इन एक्वा सॉल्यूशन, इसी पानी में आपने कोई चीज मिला दी, इन एक्वा सॉल्यूशन अगर pH 7 आ गया तो इसका मतलब कौन सा होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा। लेकिन इट शुड बी कीप्ड इन माइंड इट कैन टेक प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ 25 25 डिग्री सेल्सियस। अभी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं बहुत सारे बेटा, इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस पीएच इज इक्वल टू 7, इट मीन इट इज द न्यूट्रल, एंड पीएच ग्रेटर देन 7 इट इज मीन इट इज द बेसिक। अगर कोई चीज मिला दी, अब अगर पीएच 25 7 से ऊपर आ गया पीएच तो बेसिक, और pH 7 से नीचे आ गया तो एसिडिक। एसिडिक। बट ये सब कुछ होने वाला है किस जगह पे होने वाला है बेटा, कौन से टेम्परेचर पे? इसका मतलब टेम्परेचर डिसाइडिंग है ये, ट्वेंटी जो हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं कि छोटी क्लासेस में लेते हैं, ये सब किस किस टेम्परेचर पे होने वाला है बेटा? 25 ट्वेंटी डिग्री फाइव अगर सपोज मैं 25 से टेम्परेचर इंक्रीज करने लगू दें
डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। एसोसिएशन बढ़ जाएगा बेटा। तो आप ये नोट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अबो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल पीएच अबो 25, ठीक तो 25 पे डिसोसिएशन बढ़ जाएगा बेटा। डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो एच प्लस आयन ओ एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और न्यूट्रल पीएच कम हो जाएगा। न्यूट्रल पीएच इज लेस देन सेवन, एंड बिलो 25 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 7 न्यूट्रल पीएच इज ग्रेटर देन 7। जैसे एज एग्जाम्पल मान लो मैं कहता हूं 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो वाटर डिसोसिएट होगा बेटा। वाटर डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, ओएच एच पॉजिटिव और नेगेटिव। OH नेगेटिव आयन। यस अगर एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना आयन बनाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन 10^-7 से तो आने से रही, उससे ज्यादा होगी। उससे ज्यादा होगी। मान लो आ गई 10^-6 मोलर, ये भी -10^6 मोलर। इस बार न्यूट्रल पीएच क्या आ जाएगा, सिक्स न्यूट्रल पीएच 10^-6 है तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन है कोई बेटा, जी सर। एक्वा सॉल्यूशन एट 90 डिग्री सेल्सियस हैविंग पीएच 7। तो बताओ नेचर क्या होगा इसका, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बेटा, 90 का मतलब 25 से ऊपर है, तो न्यूट्रल पीएच तो क्या होगी, 6। सिक्स लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन किस पीएच का है, सेवन का है ना। हाँ तो फिर ये हमारे बेसिक हो पास किसी जाएगा। स्पीसीज का सॉल्यूशन पीएच 7 का है, लेकिन किस टेम्परेचर पर है बेटा, 25 90 डिग्री पर। अगर यही सॉल्यूशन हमारा रूम टेम्परेचर पर होता तो कैसा होता, ये न्यूट्रल पॉइंट बनता। न्यूट्रल होता बेटा, दैट इज द पॉइंट, न्यूट्रल होता 25 पे। लेकिन 90 पे ये न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट क्या हो गया अब हमारा, सिक्स 6, और इसकी पीएच कितनी आ रही है, 7 7। इसका मतलब अब जो होगा एट 90 डिग्री सेल्सियस, समझना होगा हमें, इट इज, बेसिक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल वेरी गुड बेटा, कि अगर यहां पर पीएच 6 होगा 90 डिग्री सेल्सियस पे तब न्यूट्रल होगा, और अगर पीएच जो है किसी का ग्रेटर देन 6 है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, बेसिक हो गया बेटा, और किसी का पीएच लेस देन 6 है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। 90 डिग्री सेल्सियस पर पीएच कितना दे रखा है, 7, 7 दे रखा है, तो आंसर क्या देंगे बेटा, बेटा बेसिक बेसिक तो इट होगा। मींस आंसर क्या आ जाएगा, बेसिक बेसिक्स हो। मतलब सर 25 से ज्यादा करेंगे टेम्परेचर तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, कम हाँ मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस होता है तब हम बोलते हैं कि 7 से ऊपर वाला बेसिक और 7 से नीचे वाला एसिडिक। लेकिन 25 से ऊपर टेम्परेचर जाने लगा तो न्यूट्रल पीएच डाउन होने लगेगी, 7 से नीचे जाने लगेगी, तब वो 7 वाले क्या बन जाएंगे तब, तब वो बेसिक हो क्योंकि न्यूट्रल जाएगा। पीएच तो 7 से नीचे जाने लगेगा। अच्छा तो वो एसिडिक हो जाएगा। नहीं बेटा, न्यूट्रल पीएच तो 7 से नीचे जाने लगेगा, सपोज 6 हो गया, मतलब अब सिक्स हो जाएगा 7 तो पीएच का तो बेसिक। बेसिक हो गया ना, एसिडिक क्यों, मुझे लगा वो 7 से मतलब आगे, मतलब 8 9 आप नीचे जाने का बोल रहे थे तो। नहीं टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन हाँ तो टेम्परेचर पे, वो क्यों पूछूंगा मैं आपसे, वो तो एक फोर्थ क्लास के बच्चे को ही पता है कि पीएच 7 से ऊपर वाला बेस है, 7 से नीचे वाला एसिड है, लेकिन वो उस बच्चे को ये नहीं पता कि वो किस टेम्परेचर पर है, हाँ 25 पे वो ट्वेंटी सिर्फ। फाइव पे। अगर टेम्परेचर वेरी करूंगा तो न्यूट्रल पीएच चेंज होगी बेटा, क्योंकि हाँ आयनेशन बढ़ जाएगा, न्यूट्रल पीएच
चेंज होगी, क्योंकि आयनाइजेशन जो होता है वो के जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 25 से तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा ना, हाँ बढ़ जाएगा तो 10-7 से कुछ भी बढ़ जाए, लेकिन 10-7 से तो बढ़ जाएगा ना वो। जी सर, तो सपोज मैंने बोल दिया, मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा 10-6 हो गया, तो अब न्यूट्रल पीएच क्या होगी 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर? 6 6 होगी। अब जो 6 के ऊपर वाले होंगे इस टेम्परेचर पर, वो क्या बन जाएंगे? वो एसिडिक होगा। नहीं बेटा, बेस होंगे ना, हाँ मतलब बेस 6 से ऊपर वाले जो होंगे वो बेस होंगे पीएच वाले, और 6 से नीचे वाले होंगे वो एसिडिक। एसिड होंगे। अगर मैंने 90 डिग्री सेल्सियस पर कोई सॉल्यूशन ले लिया पीएच इज इक्वल टू 7 वाला, तो हाँ बताओ क्या हो जाएगा? वो वो बेसिक हो जाएगा 90 डिग्री पे। बेसिक हो जाएगा। यही तो मैं अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता हूँ बेटा आपकी। जी सर, हाँ, तो ऐसा रटना नहीं है कि भाई 7 से ऊपर वाला बेस और 7 से, वो क्लासें गई, वो बातें गई। अगर आईआईटी एडवांस की बात करने जा रहे हैं हम, तो ये बातें याद नहीं करनी बेटा फिर हमें सारे फैक्टर लगाने। क्लियर? जी सर, अब सपोज, अब आंसर देना बेटा, ध्यान से देना। देखो, देयर इज मेनी होप फ्रॉम यू फ्रॉम मी, कि अगर मैं ये बोल दूं, यही क्वेश्चन बदल देता हूं, पीएच नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग pH 7 एट 0 डिग्री सेल्सियस एसिडिक बेसिक इट वुड बी एसिडिक। न्यूट्रल बिकॉज कांट प्रिडिक्ट, क्या आंसर आएगा बेटा? एसिडिक सर, एसिडिक। वेरी गुड, आई एम हाईली इंप्रेसिव। ये देखो एसिडिक, क्योंकि pH 7 जब 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है तब तो क्या, कौन सा वाला पॉइंट होता है? ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल पॉइंट होता है। लेकिन जब टेम्परेचर आपने 7, पीएच जो है टेम्परेचर क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो न्यूट्रल पीएच भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगी। हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता ये कितनी डिक्रीज होगी, लेकिन ये तो क्लियर है डिक्रीज हो जाएगी 7 से, न्यूट्रल पॉइंट डिक्रीज देन 7। तो इस टाइम पे 7 जो होगा न्यूट्रल सर पॉइंट वो लेस देन 7 होगा। इंक्रीज हो जाएगी ना, न्यूट्रल पीएच है? अच्छा, जीरो आपने डिटेम्परेचर। न्यूट्रल पी टेम्परेचर बढ़ाया है, बढ़ाया है, बढ़ाया है, तो बेटा न्यूट्रल पी टेम्परेचर आपने क्या किया है, डिक्रीज किया है, तो न्यूट्रल पी पॉइंट तो ऊपर जाएगा ना, हाँ 7 7 से ऊपर ग्रेटर जाएगा। देन 7, तो आप 7 तो नीचे रह जाएगा। आप हाँ तो इसका मतलब पीएच एसिडिक सेवन हो वाला आप जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिडिक। समझ एसिडिक। गया बात? क्लियर है बेटा? यस सर, जी सर, क्लियर। अब देखो, अब आता हूं मैं आपके क्वेश्चन के उसी पर जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पुट किया था बेटा। मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था, अगर कुछ भी टेम्परेचर आपको मेंशन नहीं है, टेम्परेचर गिवन नहीं है, देन आपको 25 लेके चलना है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं सारी वाली है। जैसे मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻¹ HCl। अब कुछ नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो मतलब कंसिडरेशन किस टेम्परेचर पर होगा बेटा? ट्वेंटी फाइव डिग्रीज पे। 25 मतलब रूम टेम्परेचर। क्लियर? अब जी अगर सर, मैं HCl से देखूं तो यहां से H+ आयन मिलेंगे मुझे, तो H+ आयन फ्रॉम एसिड कहां कितने मिले मुझे, 10⁻¹ मोलर। ठीक है, और इवन 25 डिग्री सेल्सियस पर H2O से भी तो H पॉजिटिव मिलेंगे, 10⁻¹।
एच पॉजिटिव फ्रॉम एसिड कहां से मिले, कितने मिले, वाटर। 10^-7 एच फ्रॉम पॉजिटिव वाटर, तो वाटर से कितने मिले, अब इससे तो कम मिल रहे हैं, इससे ज्यादा मिल रहे हैं ना, ये लो है बेटा, क्योंकि पावर -8 है, और ये पावर कितनी है, हाई वो -7 है। है, तो मैं नेग्लिजिबल नहीं कर सकता ना, नॉट। तो जनरली हम वाटर से जो एच पॉजिटिव आयन मिलते हैं बेटा, वो नेग्लिजिबल कर लेते हैं, तो यहां पर ये नेग्लिजिबल नहीं हुआ, तो हुआ नेग्लिजिबल नॉट नेग्लिजिबल, तो एच प्लस आयन टोटल कितने हो गए बेटा, इनका सम हो जाएगा 10^-8 8+10^-7। वन। तो अब मैं कॉमन ले लूंगा 10^-7, तो अंदर बच क्या बच जाएगा, 0.1 प्लस 1, तो कितना हो गया 1.1 × 10^-7, तो पीएच लूंगा तो बेटा कितना आएगा, माइनस लोग 1.1 × 10^-7, तो पीएच इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 − log 1.1, तो कुछ माइनस करना पड़ेगा बेटा, पॉइंट जी सर, वन, इसीलिए आंसर क्या आया था आपका, ये पीएच ज्यादा आया था पहले। pH 8 एसिड का हो ही नहीं सकता था, एसिड है तो pH 8 कैसे बन सकता है बेटा, हाँ है ना, जैसे कोई लड़का है कोई लड़की है, लड़की को कितने ही कपड़े लड़के के पहना दो तो लड़की ही रहेगी ना, लड़के को कितने कपड़े पहना दो लड़की वाले तो लड़का ही रहेगा ना, हाँ तो HCl एसिड है तो एसिड ही रहेगा ना बेटा, हाँ एसिड रहेगा तो पीएच जो है 7 से ऊपर तो नहीं जा सकता, हाँ इसलिए जब आप ऐसा कुछ केस देख लो कि कैलकुलेशन मैथमेटिकली ठीक नहीं आ रही है, तो 0.1 नीचे कर दो, रीजन भी अब क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हाँ है क्योंकि ये log 1.1 तो मतलब 0.1 के भाई, ही लॉग टॉप वन की वैल्यू जीरो पे होती है ना, होगा। लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, हाँ लॉग उससे वन का थोड़ा वैल्यू ज्यादा कितना होता होगा है, ये log 1 तो 0 होता है, तो हाँ, वन तो पॉइंट लॉग वन वन इससे पॉइंट ज्यादा वन थोड़ा सा होगा। जीरो से ज्यादा होगा, हाँ तो pH 7 से थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, इसलिए क्या वैल्यू दे रखी होगी तो रख देंगे, नहीं दे रखी है तो अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, क्लियर, जी सर, समझ गए बेटा आप। यस सर, यस सर, अब आप ये भी कह रहे होंगे सर, फिर आपने अगर ये पीएच किया तो यहां वाटर क्यों नहीं ऐड किया, जैसे आपने, मैंने क्वेश्चन ये भी दिया था, वहां पे नेग्लिजिबल होता है। हाँ ये पॉइंट है बेटा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, मैंने कह दिया 0.1 मोलर एचसीएल, तो एचसीएल कितना देगा, 0.1 एच वन प्लस आयन फोर एसिड कितना आया, 0.1 मोलर। 1 मोलर। अब मैं वाटर है, देख तो वाटर में ही रहा हूं ना, सॉल्यूशन तो एक्वस ही है ये, लेकिन वाटर से कितना आएगा बेटा, 10^-7 मोलर। एच प्लस आयन फ्रॉम वाटर, वो कितना आएगा, वो तो फिक्स है, हाँ 10^-7 मोलर, तो कंपैरिजन करो बेटा इनमें और इसमें, तो अब ये क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। कैलकुलेशन करके देख लो बेटा नेग्लिजिबल, इसलिए सिर्फ कैलकुलेशन किससे करेंगे हम, 10^-1 से इसलिए पीएच 1 दे देंगे, समझ गए बेटा आप ये बात, जी सर। चले आगे। सर बट जब HCl अपना H+ रिलीज करेगा तो उससे वाटर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वाटर हाँ थोड़ा HCl अपना H+ रिलीज कर रहा है डिसोशिएट होने पर, तो थोड़ा वाटर के डिसोशिएशन कांस्टेंट में भी फर्क आना चाहिए। अच्छा बहुत फर्क आएगा बेटा, कोई नेग्लिजिबल है वो भी नेग्लिजिबल, क्योंकि आप जो स्ट्रोंग होता है ना वही तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ना, वीक या वीक थोड़ा सा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, हाँ क्लियर, यस सर, चले आगे बेटा। जी सर, अब सपोज आपके क्वेश्चन इससे आगे बढ़ते हैं, इसके इनको मतलब इस चैप्टर कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन को थोड़ा समझना है कि एच प्लस आयन और ओ एच नेगेटिव आयन को थोड़ा समझना है हमको थोड़ा सा। अब देखो सपोज हमारे पास कोई वीक एसिड आ गया, जैसे पीएच 4
वीक एसिड आ जाएगा। वीक एसिड जो होते हैं वो पार्शली आयनाइज्ड होते हैं, पार्शली आयनाइज्ड। अब सीधा सीधा एच प्लस आयन नहीं देख सकते हम, कैलकुलेशन जैसा ऊपर किया वो नहीं कर। अच्छा एक एक इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन तो बता दूं, यहाँ कहाँ कहाँ उस टाइप के और क्वेश्चन होते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। सपोज मैं आपको बोलता हूं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है ना, लेकिन है स्ट्रॉन्ग, ये ध्यान रखना। सपोज हमारे पास एक एसिड ये था, सपोज ये 0.1 मोलर 100 मिलीलीटर था और HCl था, ये मिक्सचर दूसरे वाला 0.1 मोलर 100 ml, सपोज H2SO4 था, इन दोनों को मिक्सचर कर दिया और आपने एक सॉल्यूशन बना दिया, दोनों को मिक्स कर दिया बेटा, और अब पीएच बना दिया, इसका निकालना है आपको मिक्सचर का, दोनों को मिक्स कर दिया है ना, ये निकालना। तो ऐसे केसेस में पीएच कैसे निकालोगे, पीएच इज इक्वल टू आपको नेगेटिव लोगरिथम हो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन पहले वाले टाइम में निकालनी है, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन पहले में निकालनी है तो पहले क्या हो जाएगी मोलरिटी, एच प्लस आयन की ध्यान रखना मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, दूसरे का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम टोटल एच प्लस आयन का लेना, ऐसे कैलकुलेट निकालना। एक्चुअली होगा क्या, मैं दोनों चीजें बता देता हूं आपको, कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आपने मिला दिया, दो एसिड को मिला दिया बेटा, अब दो एसिड को मिला दिया मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो देखो इसमें HCl आयन की मोलरिटी कितनी होगी, मोलरिटी ऑफ HCl की दे रखी है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितने होंगे बेटा, वो होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम है ना, मोलरिटी कितनी आ रही है 0.1 और वॉल्यूम कितना आ रहा है 100 मिलीलीटर, तो 10 मिलीमोल आ गया बेटा। अब ये HCl है, जितने HCl में H होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन भी उतने ही आ जाएंगे, क्लियर बेटा। दूसरे वाले केस में देखो, इस केस में नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 निकालने हो तो कितने आएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, जी सर, तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलीमोल, और अगर H2SO4 में H प्लस आयन के निकालने होंगे तो H प्लस आयन तो डबल होंगे क्योंकि H2 है, तो 20 मिलीमोल आ गए, टोटल 30 हो गया है ना, टोटल 30 हो गए, तो टोटल पीएच के निकालने के लिए H प्लस आयन की टोटल कंसंट्रेशन निकालने होगी, टोटल मोल कितने हो गए 20 और प्लस 10 30 मिलीमोल, और वॉल्यूम निकाल दोगे, वॉल्यूम टोटल कितना हो गया बेटा 200 इसका 100 इसका 200 मिली मिलीलीटर, तो एम से एम कैंसिल हो गया, बाकी हम कैलकुलेशन एच पॉजिटिव आयन से निकाल लेंगे। तो उसका शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, ये तो लंबा प्रोसेस हो गया, शॉर्टकट क्या, पीएच निकालना हो तो नेगेटिव लो M1V1 प्लस M2V2 V1 प्लस V2 एच पॉजिटिव आयन का पीएच निकालो, देखो माइनस लो M1, पहले वाले का M1 कितना आया, एच प्लस आयन का M1 कितना आया, मोल कितने आए, 0.1, मोलरिटी कितनी आई, एच है ना, एच अकेला एच है तो 0.1 ही आया ना बेटा, तो 0.1, वॉल्यूम कितना आया 100 मिलीलीटर, प्लस दूसरे वाले में देखो एच टू एस ओ फोर की मोलरिटी कितनी है, पॉइंट वन, पॉइंट वन कितनी हो जाएगी बेटा एच की 0.2, तो यहाँ 0.2 लिख दोगे, वॉल्यूम कितना है देखो 100, 200 हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना बेटा 100 इसका 100 इसका,
200 200 कैलकुलेशन कर दो। डिफिकल्ट थोड़ी है बेटा, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है। 10 + 20 मतलब हो गया 30 और डिवाइडेड बाय 200, वही तो आया बेटा जो इधर था। अब आप ठीक इसको सोल्व कर लो, ये 3 कैंसिल हो गया। पीएच इज इक्वल टू, कैलकुलेशन बनाना है कैलकुलेशन बना लोगे, कैलकुलेट कर लो बेटा क्या आ जाएगा। पीएच इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, लॉग 3 माइनस लॉग 10 20 लॉग 20 पीएच, लॉग 3 की वैल्यू 0.48, लॉग 20 की वैल्यू pH 7 से ज्यादा आ रही है। 1.3, हाँ माइनस कर देना बेटा उससे आंसर आ जाएगा। कर लोगे बेटा कैलकुलेशन? यस सर, हो यस जाएगा। सर, कॉन्सेप्ट समझ गए बेटा? यस सर, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे दे देना। अगर आपको मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया जाए बेटा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सपोज ये दे दिए, तो कैसे करोगे? फार्मूला बेटा सेम वही, जो डोमिनेंट हो ना उसको आगे लिख देना, दूसरे वाले को पीछे लिख देना। अब जब मान लो आपको दे दिया है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा बेटा आपको। अगर पीएच निकालना है तो नेगेटिव लॉग M1 V1 माइनस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, अगर H पॉजिटिव आयन डोमिनेंट है तो, ये डोमिनेंट है तो ये लगेगा। लेकिन अगर डोमिनेंट OH आयन है तो POH, फिर ये लगाना माइनस लॉग। फार्मूले से चलना है तो थोड़ा सा टेक केयर, M2 V2, M1 V1 उसी को लेना जो बड़े वाला हो, V1 + V2 OH नेगेटिव डोमिनेंट जो डोमिनेंट हो उसमें से दूसरे वाले जो लेस डोमिनेंट है उसे माइनस कर देना बेटा, वो पता लग जाएगा कि H+ आयन डोमिनेंट है या OH आयन डोमिनेंट। क्लियर? कैसे? क्लियर तो अभी कैसे होगा जब तक एग्जांपल नहीं दूंगा। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl इज एडेड विद 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH कैलकुलेट द पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। हंड्रेड मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl इज एडेड विद 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH कैलकुलेट द पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। देखो मैं बेटा इसमें क्या करूंगा, M1 V1 पहले एच पॉजिटिव आयन के लिए निकालूंगा, तो एच पॉजिटिव आयन के लिए क्या, जो भी एम बी निकालूंगा मैं, M1 V1 भी नहीं बोलूंगा, एम बोलूंगा एम बी एच पॉजिटिव आयन का। एच पॉजिटिव आयन का देखो एच सी एल है तो बेटा एच पॉजिटिव आयन की मोलरिटी 0.1 है तो 0.1 ही रहेगी ना, जी सर, और वॉल्यूम 100 है तो इनटू 100 कर दिया, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एम बी ओ एच नेगेटिव आयन के निकालूंगा, तो एम बी ओ एच नेगेटिव आयन का निकालूंगा तो कितना आ गया बेटा, एन ई ओ एच में ओ एच भी 0.1 ही है इंटू, सपोज मैं 200 कर देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बन जाएगी हमारी, 200 कर देता हूँ, 0.1 इंटू कितना हो जाएगा 200,
तो ऊपर वाला कितना आ गया 10, और नीचे वाला कितना आ गया बेटा 20। तो डोमिनेंट कौन है? बेस। बेस। तो इस बार मेरा पीओएच निकलेगा बेटा, पीओएच नेगेटिव लॉगरिथम, ओएच आयन बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करूंगा, मतलब 20 में से माइनस 10 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करूंगा बेटा। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखो, 100 ये, 200 ये, 300 300 नेगेटिव लॉगरिथम हो क्या रह जाएगा? 10 upon 100, 1/2। 10/100। तो पहले पीओएच निकलेगा बेटा, बेस डोमिनेंट है तो माइनस कॉमन ले लूंगा, लॉग 1 माइनस लॉग 30 मतलब 10 into 3। तो सोल्व करोगे बेटा, लॉग 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लॉग 10 into 30, लॉग 10 की वैल्यू 1 और 30 की 0.48, 1.48 प्लस पीओएच हो जाएगा बेटा आपका टोटल 1.48। तो 1.48 है तो इससे पीएच निकाल सकते हैं। फोर्टीन में से माइनस कर देंगे। 14 में से माइनस कर देंगे बेटा, पीएच आ जाएगा, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। 10 में से 2 चला गया, 9 में से 4 5 चला गया, 13 में से 1 12 चला गया बेटा। तो पीएच आ जाएगा 12.45। क्लियर बेटा, कोई डाउट? सर अगर दोनों ही बराबर हो, मतलब कोई दोनों डोमिनेंट ना बराबर हो तो? न्यूट्रल हो जाएगा बेटा, पीएच 7 हो जाएगा, फिर रूम टेम्परेचर लेके चलना है ना फिर अपने को। ओके सर, ठीक। सर बराबर में तो अगर मतलब दोनों बराबर होगा तो जो लॉग के अंदर है वो जीरो हो जाएगा। हाँ तो लॉग 0 हो जाए, लेकिन इससे कैलकुलेशन नहीं होगा ना, फिर हमें ये पता है कि एच प्लस आयन जितना पीओएच होगा उतना पीएच भी तो आएगा ना बेटा। हाँ तो फिर वही वो मतलब हमने वाटर का डिसोसिएशन पहले कंसीडर नहीं किया था, फिर कंसिडर करेंगे तो पीएच सेवन हो लेकिन वहां पर हम जाएगा। क्या करेंगे, जितना एच बेस ने अपना एच पॉजिटिव आयन दिया उतना एसिड ने अपना एच पॉजिटिव आयन दिया उतना बेस ने OH, वो तो न्यूट्रल होके वाटर ही बना दिया बेटा। न्यूट्रल होके वाटर वाला ही और होगा। वाटर का पीएच कितना लेंगे फिर हम, रूम टेम्परेचर पे तो 7 ही लेंगे बेटा, मतलब वाटर को कंसिडर करना है फिर। वाटर की कंसेंट्रेशन कितनी है, 10^-7, तो पीएच कितना ले लोगे फिर आप, 7। यस सर। क्लियर बेटा, आगे चलो, इसमें बता देता हूँ, वो वाला केस भी देता हूँ मैं आपको। सपोज मैं ये देता हूँ आपको, ये केस देता हूँ, 100 मिलीलीटर ऑफ HCl 0.1 मोलर HCl इज एडेड विद 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH। कैलकुलेट द पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब HCl है बेटा, HCl एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस आयन कितने दे रहा है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है बेटा, 0.1 into 100, तो 10 आ गया मिलीमोल। और NaOH कितना दे रहा है, 0.1 NaOH। NaOH बेटा, NaOH में देखो फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन, इस फिर इसका मोलरिटी इसका वॉल्यूम, मोलरिटी है 0.1, वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर, ये भी कितना आ रहा है बेटा, ये 10 मिलीमोल आ रहा है मतलब ना। 10 मिलीमोल। तो HCl प्लस NaOH रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaCl प्लस वाटर। वाटर। अब रिएक्शन करो, इनिशियली T इज इक्वल टू 0 है बेटा,
मतलब आपको प्रैक्टिकली भी सोचते जाना है ना, इसीलिए तो डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर। प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे डिफिकल्ट होगा, प्रैक्टिकली सोचते जाओगे तो इजी हो जाएगा। जैसे HCL है सपोज, तो HCL के कितने मोल आ गए बेटा स्टार्टिंग में? 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल। और और NaOH कितने आ गए Na बेटा? उसके भी 10 मिलीमोल, और स्टार्टिंग में NaCl कितना है? वो भी हो जाएगा 10 मिलीमोल, हो जाएगा नहीं, जीरो था स्टार्टिंग में तो आपने जीरो कहा। है ना। अब जैसे रिएक्शन होगी तो इसके 10 मिलीमोल इसके 10 से रिएक्ट करके इसकी क्या बना देंगे? 10 मिलीमोल NaCl और 10 मिलीमोल टेन वाटर, मिलीमोल तो ये तो सॉल्ट है। न्यूट्रल एसिड कितना रह गया अब हमारे पास? एसिड कुछ बचा ही नहीं। बचा ही नहीं। NaOH कितना रह गया बेटा हमारे पास? वो भी नहीं बचा, ये भी नहीं बचा। तो बचा क्या आपके पास? सिर्फ वाटर का बचा डिसोसिएशन, वाटर और NaCl बचा। इसीलिए अब क्या हो गया, ये कैसा पीएच हो गया, सॉल्यूशन 7 कैसा हो गया अब? न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल सॉल्यूशन। और वाटर का न्यूट्रल सॉल्यूशन है सॉल्यूशन हाँ ऑफ वाटर। वाटर और जब वाटर न्यूट्रल होता है तो पीएच कितनी आंसर दोगे आप? 7। सेवन समझ गया? जी सर। तो ये सारा हम कैलकुलेशन से निकालेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे। जी सर, क्लियर है? आप तो कोई डाउट नहीं है। नो डाउट सर। अब सपोज इसी क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूं बेटा, इसी क्वेश्चन को बदल रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, हंड्रेड मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 इज एडेड विद 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH। कैलकुलेट द पीएच फॉर फाइनल सॉल्यूशन। ये निकाला बेटा, सॉल्यूशन कैसे करोगे? सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है बेटा, उसकी मोलरिटी दे रखी है, तो नंबर ऑफ मोल एसिड के निकाल लेते हैं अपने। 0.2 कितने आएंगे बेटा? 0.1 × 100, तो कितने आ गए सर, यहाँ तो 0.2 होगा। बेटा? अभी एसिड के ले रहे ना, एच प्लस आयन की थोड़ी ले रहा हूं। अच्छा हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है ना। अभी हम किसके जी निकाल सर, रहे हैं नंबर ऑफ मोल? एसिड की एसिड की। तो एसिड के कैसे निकलेंगे? एसिड की जी सर। मोलरिटी और उसका वॉल्यूम। लेकिन अब मैं हाँ कह रहा हूं नंबर ऑफ मोल एच पॉजिटिव आयन निकाल रहे हैं, तो एच पॉजिटिव आयन कितने हैं? 20 मिलीमोल, पॉइंट समझ गया आप बात? टू सर। डबल है, 2 लगा हुआ है यहाँ पर, 2 और कर दूंगा मैं, तो 10 × 2 मतलब कितना हो गया? 20 20 मिलीमोल। फिर आ जाओ बेस में, दूसरा ले रखा है आपने NaOH। NaOH क्या है आपका? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस निकालते हैं, तो बेस कितने आ जाएंगे बेटा? 10 मिलीमोल आ मोलरिटी जाएगा। इंटू वॉल्यूम। मतलब 10 मिलीमोल आ गया। मिलीमोल अब बेस में हम OH नेगेटिव आयन निकालते हैं, तो एक NaOH में एक UOH तो है, इतना ही तो आ जाएगा, हाँ तो 10 मिलीमोल। डोमिनेंट कौन हो गया बेटा? एसिड, एसिड। तो इसका मतलब अब फार्मूला किसका, पीओएच का नहीं लगेगा, किसका लगेगा? ये पीएच का, पीएच पीएच का का। लगेगा। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, जो डोमिनेंट है आगे बढ़ दो। डोमिनेंट थे एच पॉजिटिव आयन 20 और ये थे 10, टोटल वॉल्यूम कर दो। वॉल्यूम कितना था? 100 उसका, 100 उसका 200, हंड्रेड सोल्व कर लो बेटा। नेगेटिव लॉग 10 / 200, ये आ गया 2 से कैंसिल कर दो,
हंड्रेड अपॉन फाइव, तो ये आ गया पी एच इज इक्वल टू माइनस लोग फाइव माइनस लोग हंड्रेड, तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लोग फाइव की वैल्यू 0.7, लोग हंड्रेड की वैल्यू टू, 10 का पावर 2 होता है। सोल्व कर लो बेटा इससे, कितना आंसर आ जाएगा? वन माइनस, और अंदर में -1.3 प्लस 1.3। अच्छा नो क्लियर बेटा, कोई डाउट? सर तो सब कुछ कैलकुलेटिव है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब कैलकुलेशन हमें आ जाती है तो फिर कुछ डिफिकल्ट नहीं है, फिर तो बहुत इजी है। जैसे मैं करे जा रहा हूं ऐसे आप कर लेंगे, फिर पॉइंट करते जाने, सोचते जाने और आंसर देते जाने बेटा। हाँ सर, बफर सॉल्यूशंस का बता दीजिएगा। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी स्टेप टू स्टेप चलो। अभी सिर्फ आज मैं किस पर बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे, कि स्ट्रॉन्ग लंबा एंड लंबा पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग बेहतर लंबा चैप्टर है। आज सिर्फ मैं किस पे बात कर रहा हूँ आपसे, इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग वालों से, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस। बेस हो, अभी मैं इससे बातचीत कर रहा हूँ। अभी आपसे बताऊंगा बफर कब करना है आपको, पहले इस पे बातचीत करनी है। देखो, ओके अब मैं क्या कह रहा हूं कि जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उतने क्वेश्चन हमको उतने स्टेप्स तो उठाने ही पड़ेंगे ना, तभी तो हमें पता लगे क्वेश्चन कितने वैरायटी के बनते हैं इसमें। यही तो दिक्कत होती है, टीचर वो सारी वैरायटी नहीं बताता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सपोज देखो, मान लो, देखो नोट में लिख देता हूँ, क्वेश्चन बाद में बनाता हूँ नोट। इफ पीएच इज गिवन, आपको सिर्फ पीएच गिवन दे रखी, पीएच दे रखी है, पीएच इज गिवन, देन कैसे क्वेश्चन करेंगे आप? पीएच इज गिवन, जैसे मैंने दे दिया आपको क्वेश्चन, कैसे सोल्व करना? देखो, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड हैविंग पीएच टू एंड थ्री रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। आपको बेटा कुछ नहीं बताया गया कि स्ट्रोंग एसिड है, वीक एसिड है, ना फार्मूला बताया गया, आपको सिर्फ क्या बताई गई है इस केस में? पीएच सिर्फ पीएच। तो सबसे पहले ये देखो कि दोनों सॉल्यूशन लिखो आप, दोनों सॉल्यूशन लिखो बेटा। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? दोनों सॉल्यूशन लिखो आप, जैसे सॉल्यूशन ए, उसकी पीएच कितनी है बेटा? टू, का मतलब वो क्या है, एसिड है ना भाई, 7 से नीचे है तो एसिड ही है। ऐसे ही बेटा दूसरा सॉल्यूशन सोचो आप, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी की पीएच कितनी दे रखी है बेटा आपको? थ्री दे रखी है, थ्री थ्री दे रखी है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एसिड है। एसिड है तो ये पीएच आपको एच प्लस आयन देगा बेटा, और एच प्लस आयन पीएच टू है, तो एच प्लस आयन 10^-2 मोलर हो जाएगा। ये फार्मूला है बेटा, अगर आप पीएच निकालते हो तो वो फार्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन, और अगर एच पॉजिटिव आयन निकालते हो तो फार्मूला होता है 10^-3। तो पीएच टू है बेटा, तो क्लियर कट हो गया क्या चीज है वो, एसिड। पीएच थ्री है तो ये भी एसिड, एसिड का मतलब एच प्लस आयन देगा, तो ये भी एच प्लस आयन कितना देगा आपको, 10^-3 मोलर दे देगा बेटा। दिक्कत हो तो पूछ लो यहां तक इस फार्मूले में, बोल लो थोड़ा सा।
दिक्कत हो तो बेटा सर PH2 के क्लोज आएगी, मतलब 1.9 कुछ नहीं, मैं फाइनल। अभी मैं वहां जा ही नहीं रहा, मैं आपसे तो यहां से चल रहा हूं कि PH2 है तो ये तो पता लग गया ना ये एसिड है, हाँ और H+ आयन भी पता लग गया ना इससे कितना मिलेगा हाँ आपको, हाँ है ना, और PH3 है तो ये भी पता लग गया बेटा एसिड है, तो हाँ यहां से भी H+ आयन पता लग गया 10-3। हमने तो इन दोनों को मिक्स कर दिया बेटा, और मिक्स कैसे किया, बताओ। मजेदार बात यह है, मिक्स ऐसे कर दिया, वॉल्यूम भी चेंज नहीं किया उसने, उसने वॉल्यूम कितना कर दिया इसका, क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दोनों का वी है तो मोलरिटी ऑफ H+ आयन या नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ आयन कितने हो गए इसके, 10^-2 इंटू वी वी, और इधर से H+ आयन कितने हो गए बेटा, 10^-3 इंटू वी टोटल कितने हो गए, 1.1 × 10^-2 इंटू वी बी हो गई, तो टोटल H+ आयन की मोलरिटी कितनी होगी, 2V से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम तो कर वन दो, पॉइंट वन इंटू 10^-0.55 × 10^-2। वॉल्यूम कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन ही तो है बेटा, और है क्या, हाँ और इंजीनियरिंग वाले के स्टूडेंट को कैलकुलेशन मिल जाए तो चीते की तरह झपट पड़ते हैं फिर, उनको और क्या चाहिए, रटने का काम ही नहीं है, 10^-2 है तो कॉमन ले लेगा 10^-2, 1+0.1/2, तो H+ आयन कितना हो गया बेटा टोटल, वन पॉइंट वन अपॉन टू इंटू 10^-2 1/2 का मतलब अप्रोक्सीमेट 0.5, 10-2 तो इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, 5 × 10^-3। तो थ्री अब मुझे pH निकालना है बेटा, pH का फार्मूला है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 5 × 10^-3, 3 आगे कॉमन हो जाएगा बेटा, सोल्व करोगे तो log 5 की वैल्यू 0.7, वैल्यू तो आंसर पॉइंट कितना आ गया, 2.3। 2.3। हाँ या डायरेक्ट हिट करना चाहते हो आप, हालांकि मैं इसके लिए इंजीनियरिंग के बच्चे को बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करता, फिर भी जो मेन के लिए एप्रिसेंट, जो मेन के लिए जिनको करना है मेन वाला करना है, वो सिर्फ फार्मूला चाहते हैं तो ये यूज कर लें मेन वालों, हालांकि मैं नहीं करता, लेकिन हर तरह का बच्चा होता है जिसको कैलकुलेशन कम ज्यादा आती है, तो उनको फिर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर आप करो 10^-PH फर्स्ट वाला, वॉल्यूम फर्स्ट वाला, प्लस 10^-PH सेकेंड वाला, V2 सेकेंड वाला, डिवाइडेड बाय V1+V2 कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा। बट मैं हर एक स्टूडेंट को जो है वो इसके लिए बोलता हूं कि पूरा प्रोसेस यूज करें, अपने हर एक स्टूडेंट को सर इसलिए ओवरऑल बोलता तो हूं। हमने भी यही किया जो ये डायरेक्ट हिट में था। हाँ, डायरेक्ट हिट बेटा गलत हो जाता है कई बार, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कहीं मिस कर गए हम, तो फिर वो जल्दबाजी, वो तो क्या है कि वो तो बस मतलब एक तरह की बात है, उल्लू हाँ बनाने सर, वाली इतना बात है, कहीं यकीन नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैथमेटिकली वो पीएच ज्यादा कहीं हो इस भी वजह से। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है ना बेटा, अब मेरे जैसा एग्जामिनर होगा पता है, वो वैसा लगाएगा फार्मूला बच्चा, वो क्या कर देगा, कहीं ना कहीं कोई चेंज कर देगा, तो हाँ चेंज कर देगा, जिसको ये आता है, जिसको पोस्टमार्टम आता है, तो वो तो कहीं भी गलती नहीं करेगा ना, बेस्ट इंजीनियर हाँ वो हमेशा बोलता हूँ जो डिजिट से प्ले करे, तो अब उसको सब पता है, जो यहां से करेगा PH2 आ रही है भैया पहले वाले एसिड में, यहां से वो बोलेगा साफ साफ, वो तो अपने आप से बातें करेगा ना, PH2 आ रही है एसिड में तो H+ आयन तो 10^-2 है, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ आयन 10^-2 जितना वॉल्यूम है, मान लो वॉल्यूम इसमें बदल देता मैं, वॉल्यूम लीटर मिलीलीटर में कर देता तो गड़बड़ हो जाती ना फिर, तो हाँ वो तो ये करेगा कि 10^-2 इतने मोल निकाल लूंगा मैं, फिर वो सॉल्यूशन बी में करेगा, PH3 है तो H+ आयन 10^-3 मोलर हो गया, और वॉल्यूम मोल निकालूंगा तो इतना आ गया मोल, इधर से एक सॉल्यूशन से इतना आया, दूसरे से इतना आया, दोनों को ऐड किया तो नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, वो तो पूरा कंसेप्ट से चल रहा है ना बेटा,
भाई दो चीजें, मैं अपने स्टूडेंट्स को, भाई आप मेरे स्टार्टिंग से स्टूडेंट नहीं रहे इसलिए आप मेरे को इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि इंजीनियर दो टाइप के होते हैं। एक इंजीनियर वो होते हैं जो सुंदर पिचई जैसे होते हैं, वो भी तो इंजीनियर है ना बेटा। सुंदर जी सर, पिचई क्या है? इंजीनियर है। इंजीनियर है ना। सुंदर पिचई जो है वो आपका इंजीनियर है जो मैथमेटिक्स से चलता है, उसकी 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 1 घंटे की, 1 घंटे की कमाई कितनी है बेटा पता है आप लोगों को? करोड़ों पता नहीं सर। करोड़ों रुपए 1 घंटे की। एक वो इंजीनियर है, दूसरे वाला जो ठेकेदार के यहाँ काम करता है, 5,000 नहीं मिलते, 6,000 नहीं मिलते उसको, और एक है डॉक्टर, दोनों के बीच में उसकी अपनी कांस्टेंट कमाई है, जितना मेरे पास आएगा पेशेंट उतना कमा लूंगा। और उस डॉक्टर में भी कुछ एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट वो होते हैं जिनके अंदर इंजीनियर वाला कॉन्सेप्ट होता है, कैलकुलेशंस आती हैं, वो एक्सपर्ट बनते हैं। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, फिर उन बैक आप नाम सुनते हो कि भाई डॉक्टर त्रेहान, सुनते हो नहीं सुनते हो? आप बोलते हो डॉक्टर त्रेहान, वो कैसे हो गए? उनको अपने पार्ट की कैलकुलेशन आती है, उनको अपने पार्ट का हार्ट के, वो है हार्ट के स्पेशलिस्ट है, हार्ट का एक कैलकुलेशन आता है, मतलब वो ऐसे पोस्टमार्टम करते हैं जैसे मैंने किया है यहाँ, ऐसे करके यहाँ पहुंचते हैं, ये चीज हो सकती है। अब नॉर्मल डॉक्टर क्या है? नॉर्मल डॉक्टर मतलब ये है कि यार इस डायरेक्ट फार्मूले से पता लग जाए बस, फार्मूला आंसर क्या निकाल लो बेटा, ये हो जाए बस, पता नहीं हाँ अंदर सर, कुछ भी मतलब है, क्या बीमारी है कोई पता नहीं, ये टेबलेट खा लेना भैया ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओगे तो ओके, नहीं होगे तब भी ओके। मशीन की तरह पहले से ही सब चीज कोडेड है। बिल्कुल बेटा मशीन की तरह। तो फिर वही बात है, ये डिफरेंसेस फिर आगे चल के आएंगे आपके लाइफ में, करियर में आएंगे बेटा। तो तरीके तो अब ये बड़ा आसान लगता है ना, ऐसे कर दें फार्मूले हाँ वैल्यू पुट कर दें, इसमें तो बहुत सारी भीड़ होगी, लेकिन जो पूरा प्रोसेस से चलोगे तो भीड़ नहीं होगी बेटा, कुछ ही पहुंच पाएंगे। ज्यादातर चाहेंगे यार एक फार्मूला मिले जिसमें वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाए, इट्स ओके, करना क्या है। लेकिन उस आदमी को ये कभी पता नहीं लगेगा कि हार्ट की जगह अगर किडनी लगा दूं और किडनी की जगह हार्ट पहुंचा दूं तो बताओ बॉडी में क्या इफेक्ट आएंगे, बता पाएगा वो डॉक्टर कभी? नहीं नहीं बता पाएगा ना, वो जिसको फंक्शनिंग ही पता नहीं है किस जगह पे कोई चीज होगी वहां क्या फंक्शनिंग होगी, तो वो कैसे कर पाएगा? तो दोनों में फर्क है बेटा। ऐसे ही मैं टॉपिक का एंड करूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन देखना है आपने, सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया और ये मैं आपके आईक्यू पे ही रहा हूं बेटा, मुझे पता है 3-4 स्टूडेंट ही मेरी क्लास ले रहे हैं अभी, ये इंजीनियरिंग वाले, बाकी सब आई मेडिकल या इंजीनियरिंग वाले कर चुके हैं अपना क्लास, तो बहुत कम स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी मैं ये देखो ये देने जा रहा हूँ कि इंजीनियरिंग वालों की क्लास थी आज तो, लेकिन 2-4 बच्चे ही हैं। देखो ये क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आंसर देना बेटा, अगर आंसर सही आएगा ना मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। कि सपोज मैं कह रहा हूँ इक्वल वॉल्यूम हो, टू सॉल्यूशन हैविंग pH 2 and 12 रेस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड कैलकुलेट pH 4 फाइनल सॉल्यूशन, क्या आंसर होगा? 7 होगा, क्या होगा बेटा? 7 7, वेरी गुड, इक्वल मोल ऑफ H+ है और OH माइनस सेवन है जो है इनका। न्यूट्रल होगा, रटाया जाता है, हर हर एक टीचर हर बच्चे को क्वेश्चन बताता है, लेकिन हम प्रोसेस से चलेंगे तो देखो pH इज इक्वल टू पहला सॉल्यूशन ए, pH हाँ इज इक्वल टू 2 है तो क्या होगा बेटा? ये एसिडिक है। एसिड है, एसिड है तो H+ आयन देगा ना, ये तो कितना हाँ, देगा एसिड प्लस आयन? -2 -2 मोलर वॉल्यूम, सपोज वी ले लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ आयन कितने हो गए बेटा? टू ये 10^-2 इन वी वी। वी दूसरा सॉल्यूशन लो, सॉल्यूशन बी पीएच उसका पीओएच कितना है? देखना होगा। 12, हाँ वेरी गुड, pH 12 है तो इसका मतलब एसिड तो नहीं है, ये क्या है? बेस है। बेस है तो pOH निकालना पड़ेगा मुझे,
होगा। टू आ रहा है, पीएच टू आ रहा है, तो ओएच नेगेटिव आयन देखना पड़ेगा मुझे, 10^-2। यहां से भी काम नहीं चलेगा, मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। टेन अगर टू इक्वल पावर वॉल्यूम माइनस नहीं होता टू तो आंसर कुछ और आता बेटा इसका। अब एन ओ हाँ एच वॉल्यूम वी है तो 10^-2 V, तो जितने एच पॉजिटिव आयन उतने ही OH माइनस। उतने ओ एच नेगेटिव आए, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो गया? न्यूट्रल न्यूट्रल। न्यूट्रल नंबर ऑफ मोल से न्यूट्रल करना है, कंसंट्रेशन से नहीं, नंबर अच्छा ऑफ मोल ऑफ अगर एच पॉजिटिव आए। हम टेम्परेचर अबव दे देते तो फिर वो पीएच गुस्सा हाँ तो बस सेवन बस से कम बस बताते हैं। वही चीजें सारी, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता। और इवन वॉल्यूम अलग दे देते तब भी गड़बड़ हो जाता बेटा। हाँ या तो इक्वल वॉल्यूम बोला है इसलिए ठीक है, तो नंबर ऑफ एच प्लस आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओ एच आयन, सो सॉल्यूशन इज न्यूट्रल न्यूट्रल। और सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है देन हम कहते हैं कि पीएच कितना आएगा? 7 सेवन। वो एट अगर ट्वेंटी कुछ फाइव नहीं दे डिग्री रखा है तो सेल्सियस बाय डिफॉल्ट कौन सा टेम्परेचर लेके चलना है बेटा? 25 25। इसलिए सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। क्लियर बेटा? तो यस सर। ये जो आज ये एक बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, आप लोगों ने किया होगा इक्विलिब्रियम, और बहुत डिफिकल्ट टॉपिक में से एज्यूम किया जाता है। अभी तो हमने आज जो केस किए हैं सिर्फ किसके किए हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग या यूरेटिक स्ट्रॉन्ग अमाइड बेस के। नेक्स्ट क्लास में फिर जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, अगर मेरा क्लास आ गया बेटा, तो फिर वीक एसिड, फिर वीक बेस, फिर एसिड और बेस को मिला देंगे, मतलब सॉल्ट उनका पीएच, फिर सॉल्ट में कोई एसिड बेस मिला देंगे सॉल्ट के साथ तो वो बफर, और इस टाइप से डिफरेंट सॉल्यूशन के पीएच हमको कैलकुलेट करने हैं बेटा। सर। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, वो तो वही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज़ करके कंसंट्रेशन प्रेशर निकालना। हाँ बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, उसमें भी है, क्वेश्चन बनने पर है कि क्वेश्चन कैसा हम बनाते हैं। सिंपल वे में तो इजी लगता है, लेकिन जैसे जैसे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एडवांस लेवल पर, बट वो फिर भी इजी है। लेकिन अब उसका यूज जो है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशंस बननी पड़ती है और बहुत कुछ सोचना ही पड़ता है बेटा, जैसे देखते जा रहे हो आप। तो जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या चीज, इस चैप्टर के अंदर आपकी अल्टीमेटली आप देखोगे तो क्या करोगे, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस, फिर हाँ पीएच ऑफ सॉल्ट, अब सॉल्ट बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, फिर पीएच ऑफ सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग वीक एसिड या वीक बेस, उसको बफर बोल देते हो। तो ऐसे करके निकालते हैं बेटा, स्टेप टू स्टेप चलता है चैप्टर। इवन स्टेप टू स्टेप करते तो बहुत इजी हो जाता है, फिर हमारा मतलब एक माइंड सेटअप हो जाता है ना, हमें करना क्या है। इस चैप्टर में प्रॉब्लम यही आता है हमारे साथ कि हमें करना क्या है, वी डोंट नो कि करना क्या है। तो अगर हमें पता लग जाए कि इस चैप्टर में करना क्या है, जैसे मैंने इस चैप्टर में बताया क्या करना है हम लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम में, बस पीएच कैलकुलेट करना है, पीएच पीएच पीओ कैलकुलेट करनी। जैसे आज हमने सीखी है किसकी पीएच कैलकुलेट करनी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बहुत सारे केस है ना इसके बेटा, पूरे हाँ देखो 1.5 घंटे में सिर्फ पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कैलकुलेशन में फंस गए हम। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा फिर, पीएच ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड या वीक बेस, फिर पीएच ऑफ एसिड और बेस मिला दिया आपने, मतलब सॉल्ट हो गए, फिर पीएच ऑफ सॉल्ट प्लस कोई एसिड और बेस मिला दिया तो वो बफर हो गया। ऐसे चलेगा बेटा ये चैप्टर। ओके अब सर। कैलकुलेशन क्लियर होती जाएगी, जैसे पहला स्टेप क्लियर हो गया तो सेकंड में और ज्यादा सीख जाओगे, थर्ड में और ज्यादा सीख जाओ, फिर कुछ रटना नहीं है, फिर तो कैलकुलेट ही हो जाएगा, आपको सब पता है मुझे करना क्या है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, फिर इजी हो जाता है बेटा ये। क्लियर? यस सर। जी ओके सर। बेटा, नेक्स्ट सी इन अनदर क्लास, गुड इवनिंग टिल सर। देन बाय बाय, थैंक यू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड नाइट।